गोरखपुर के बासगांव थाना क्षेत्र के चतुरबंदुआरी गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आए लोगों ने जमकर बवाल किया। बोलेरो में तेल डालने के बाद कर्मचारी ने पैसा मांगा तो बोलेरो सवार उग्र हो गए और कर्मचारियों से मारपीट करने लगे। मारपीट होता देख मौजूद कर्मचारियों ने बीच बचाव किया। इसी बीच कुछ और युवक वहां आ गए और दो कर्मचारियों को मारपीट कर घायल कर दिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित कर्मचारी के तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई। घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार में ले लिया है। आपको बता दें कि घटना बुधवार की रात 10 बजे के करीब है। पेट्रोल पंप पर सेल्समैन विनोद और मलाई मौजूद थे। इसी बीच बोलेरो में सवार करीब 6 लोग आए और 1000 रुपये का तेल डालने को कहा। तेल भरवाने के बाद बोलेरो स्टार्ट कर आगे बढ़ने लगे। कर्मचारी ने जैसे ही पैसे की मांग की बोलेरो सवार गाली गलौज करने लगे। कर्मचारियों के मना करने पर वो मारपीट पर उतारू हो गए। इसी बीच कुछ अन्य कर्मचारी भी वहां आ गए और बीच बचाव करने लगे। जिद पर बोलेरो सवार एक शख्स ने मोबाइल पर किसी से बात की और थोड़ी देर में 2 बाइक पर सवार 4 युवक और आ गए। फिर सभी ने मिलकर कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी। विनोद को गंभीर चोट आई है। मारपीट होता देख आसपास के लोग भी जुटने लगे थे। लोगों से घिरा देख बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे और एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा। बारे में मुकदमा पंजीकृत है। कुल 9 लोग नामित थे जिसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और शेष के बारे में विवेचना जारी है। शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कुछ पता चला है कि क्यों मारपीट हुई? अब विवेचना का विषय है। मारपीट जो है पेट्रोल देने के विषय में हुई है और उस समय पेट्रोल पंप था, ये सब बताया जा रहा है। दिनांक 28 तारीख को अभी मार्च में ही रात में 9 बजे करीब बांसगांव के कस्बे के कुछ लड़के जाके उस पेट्रोल पंप पे मारपीट किए थे और उसके जो सेल्समैन है उसको चोट आई थी। पेट्रोल पंप का जो मैनेजर है उसके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसपे मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई की जा रही। सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें करीब 7 लड़के उस मारपीट में शामिल हुए थे जिसमें 4 को अरेस्ट कर लिया गया है, 3 अभी गिरफ्तारी है शेष। मारपीट का कारण पेट्रोल का पैसा न देना है, वो इसी में नोकझोंक हुई थी।